रावण का भी शीश उसके धड़ से विलग हो गया। ये तो रावण की पराजय का आरंभ है। जो भूल तुमसे पहले हुई थी अब उसे सुधारना नहीं चाहते हो तुम? नहीं, वो मैं फिर नहीं कर सकता। जब मद का प्रभाव छाता है, प्रेम नष्ट हो ही जाता है। तुम्हारा लोभों में मैं बढ़कर उस बालिका के प्रति तुम्हारे दुर्बल स्नेह को समाप्त करूंगा। मैं तुम्हारा मोह तुम्हारे हृदय में विकराल रूप लूंगा, जिससे तुम असुरों के अजय राजा बनोगे, ना कि एक साधारण बालिका के पिता। मत्सर्य को जागृत करो और उनकी विजय के प्रति ईर्ष्या का भाव रखो। तुम्हारे हृदय में बस एक ही इच्छा है, किसी भी प्रकार विजय प्राप्ति की। मुझे अपने क्रोध को तुम्हें प्रभावित करने दो भंडासुर। बार बार पराजय से सामना होने के कारण भंडासुर अपना संतुलन खो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप विकारों के प्रभाव में वो अवश्य रश्मि प्रभा को पुनः हानि पहुंचाने का विचार करेगा। तुम अभी भी इस पराजय को जय में परिवर्तित कर सकते हो भंडासुर। त्याग उसे करना चाहिए, तुम्हें नहीं भंडासुर। विजय के लिए कुछ भी करना उचित है भंडासुर। इसके पूर्व के राम दशानंद रावण के अंतिम शीष को विलग कर उसका अंत करें। तुम ये त्याग करो, ये सोच विचार का नहीं, कुछ करने का समय है भंडासुर। त्याग करो उसका, यही एक मार्ग शेष है। शीघ्र करो, तभी विजयी हो गए। तुम्हारे पथ की बाधा तो तुम्हारे सामने है। त्याग करो उसका, त्याग करो उसका भंडासुर। त्याग करो, त्याग करो उसका, त्याग करो उसका, त्याग करो उसका, त्याग करो उसका, त्याग करो उसका। मेरा वध करना इतना सरल नहीं है राम। तुम जितने शीश विलग करोगे, मैं उतने ही नए शीश उत्पन्न करूंगा। बस अब बहुत हुआ राम। तुम्हारा कोई भी बाण अब मुझे क्षति नहीं पहुंचा पाएगा, इसलिए जितने भी बाण चलाने हो चला लो। रश्मि प्रभा, मुझे पुकार लो तो मैं तुम्हारी रक्षा करने वहां पहुंच जाऊंगा। जो प्रतिज्ञा तुमने मुझसे ली थी उससे मुझे मुक्त कर दो।
मेरा कदा प्रहार तुम्हारे शरीर को फेंक देगा। अब तुम प्रहार ही नहीं कर पाओगे। कहा था ना मेरे राम, कोई क्षति नहीं होगी। पिछली बार भी प्रभु श्री राम ने रावण का वध तभी किया था जब श्री राम भक्त महाबली हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के बाण को उचित दिशा दी थी। इसलिए रावण का वध तो तभी संभव है जब फिर से प्रभु के बाण का वार उसकी नाभि पर हो। किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ये ज्ञात होने पर भी इसमें हनुमान जी की सहायता की प्रतीक्षा करेंगे, किंतु हनुमान जी तो इस दुष्ट में उलझे हुए हैं। नहीं हो रहा पिताश्री, आप अपने पुत्री के लिए ऐसे शब्द कह रहे हैं। ना, अब कुछ नहीं, तुम्हारी कोमलता, मिठास कुछ नहीं रोक सकेगी मुझे। बिना रश्मि प्रभा के पुकारे मैं भंडासुर को रोकूं तो कैसे रोकूं? उसकी रक्षा की कोई तो युक्ति शीघ्र सोचनी होगी मुझे। इस प्रकार तो प्रभु श्री राम के बाण भी व्यर्थ होते रहेंगे। मेरी शक्ति के आगे इस बार असहाय हो तुम प्रभु श्री राम। भंडासुर को ये विश्वास है कि यदि वो रश्मि प्रभा का त्याग करेगा तो रावण की विजय हो जाएगी, तो उसका वो भ्रम तोड़ना होगा मुझे। और ये तो हनुमान जी की सहायता से रावण का वध होने के बाद ही होगा। मुझे अभी जाकर हनुमान जी को प्रभु श्री राम के पास भेजना होगा। विजय होऊंगा मैं। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी तो मेरी पुकार सुन ही नहीं रहे हैं। अब मैं उनका ध्यान अपनी ओर कैसे आकर्षित करूं? प्रभु श्री राम। क्या हुआ मेरे प्रभु श्री राम को? हटो दुष्ट, मुझे मेरे प्रभु श्री राम के पास जाना है। कुछ नहीं होगा, कहा था ना मैंने, कुछ नहीं होगा मुझे। ये अधर्मी रावण प्रभु श्री राम का अपमान करने का दुस्साहस कर रहा है। मुझे क्षमा करें हनुमान जी, श्री राम का आज आपके बिना कहाँ संभव है? प्रभु तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कदापि कुछ नहीं कहेंगे, किंतु उन्हें आपकी आवश्यकता है। पूर्व में भी आपने ही प्रभु श्री राम को रावण का वध करने में सहायता की थी।
और अब वो समय आ गया है जब उन्हें पुनः आपकी सहायता की आवश्यकता है। मेरे प्रभु श्री राम को मेरी आवश्यकता है? आवश्यकता तो मुझे है तुम पर वार करने की। प्रभु, अब मैं आपका बाण व्यर्थ नहीं होने दूंगा। प्रभु भी जानते हैं कि रावण के प्राण उसकी नाभि में स्थित हैं, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी भी उसकी नाभि को लक्ष्य नहीं करेंगे। अतः रावण के अंत के लिए ये कार्य मुझे ही करना होगा। जय श्री राम। नहीं, ये बाण मेरी नाभि की ओर कैसे बढ़ने लगा? जय श्री राम। श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर लेगा और मैं उस देवी से युद्ध कर सकूंगा। जब वो एक बार तुम्हारे जीवन को संकट में डाल सकता है तो पुनः अपनी शक्ति पाने के लिए वो फिर से तुम्हें मृत्यु के मुख में धकेल सकता है। मेरे पिताश्री, मुझे विश्वास है आप मुझसे अधिश नहीं करते और आप फिर से मेरा त्याग कभी नहीं करेंगे। आप समझने का प्रयास कीजिए पिताश्री, आप जो भी कर रहे हैं वो व्यर्थ है। अपनी छोटी सी पुत्री को हानि पहुंचाने का पाप करेंगे। जो अधर्म की सभी सीमाओं को लांघ चुका है उस पर कैसा विश्वास? ये वो भंड है जिसे बुद्धि का, ज्ञान का, परामर्श का कोई लाभ नहीं। मुझे पुकारो रश्मि प्रभा, मेरा नाम पुकारो और स्वयं को सुरक्षित करो रश्मि प्रभा। पिताश्री, क्या आपके लिए मैं नहीं वो सम्राज, वो अनेक लोगों पर आपका वर्चस्व अधिक बढ़ा है? मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है वो तुम नहीं, इस युद्ध में मेरी विजय है और वो तुम्हारा त्याग करने पर ही संभव होगी। ये मेरे पिता समान ही कौन असुर है जिसे मैं पहचानते भी नहीं?
और ये इतने दुष्टता भरे चेसिस कैसे हैं? इन्हें मैं पहले क्यों ना देख सकी? त्याग तो करना होगा, तुम्हारा त्याग जो इस समय मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपको मेरी चौकन है प्रभु, जब तक मैं आपको ना पुकारूं, आप वह मेरे रक्षा के लिए नहीं आएंगे। मैंने वचन दिया है उसे, इसीलिए मैं और आगे नहीं बढ़ सकता। रश्मि प्रभा, अब तो तुम अपने पिता का वास्तविक परिचय प्राप्त कर चुकी हो, तो अब तो मुझे पुकार लो। यदि आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है पिताश्री, तो आपको जो करना है कीजिए पिताश्री। मेरे विजय की बाधा को अब मैं और नहीं सहूंगा, अपने त्याग को पूर्ण करूंगा अभी इसी समय। प्रभु गणेश जी, प्रभु गणेश जी, प्रभु गणेश जी। गणेश जी। मेरा बल व्यर्थ नहीं जाएगा गणेश जी। धर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा आवृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा तामसी, अर्थात तमो गुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म और संपूर्ण वस्तुओं को उल्टा मान लेती है। धर्म अधर्म के संघर्ष में धर्म का बल ही सदा सफल होता है। देखो भंडासुर, तुम्हारा खड़ग कैसे नष्ट हो रहा है। बस भंडासुर, दूर हटो अब। पिताश्री। अमरपुर से आ रही ये भयंकर ध्वनि कैसी है? गणेश मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है वो? हाँ कुमार कार्तिकेय, प्रथम पूज्य गजानन से भेंट किए बिना यहाँ से प्रस्थान करना तो मेरे हृदय को नहीं भा रहा है। आपने उचित कहा हनुमान, हृदय तो अभी हम सबका भी नहीं भरा, किंतु कर्तव्य सर्वोपरि है। किंतु आप चिंता मत करें हनुमान, आपको गणेश से भेंट करने के अनेकों अवसर मिलेंगे भविष्य में, विशेष करके कलयुग में। आप गणेश द्वारा सभी देवी देवताओं के भक्तों की रक्षा के साक्षी बने, उसी प्रकार जिस प्रकार वो अभी अपने विशेष भक्त की रक्षा कर रहा है। रश्मि प्रभा, गणेश जी मैं जानती थी आप मेरी रक्षा के लिए अवश्य आएंगे, आपको कोटि कोटि धन्यवाद गणेश जी। आता कैसे नहीं रश्मि प्रभा, भक्त की भक्ति सच्ची है तो भगवान भी अपने वचन का मान रखते हैं। फिर तुम्हें चिंता किस बात की, तुम तो सर्वथा कुशल हो। नहीं गणेश जी, मैं कुशल नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है गणेश जी, मेरे पिता का हृदय इतना कठोर कैसे हो गया है, जो अपने पुत्री के प्रेम से भी नहीं पिघलता। जो अपनी विजय से प्रेम करते हैं उनके लिए प्रेम दया ममता का कोई अर्थ नहीं, विजय के लिए तो हृदय को कठोर करना ही पड़ता है। देखिए ना प्रभु, अब तो और भी क्रोध दिखाई दे रहा है वो। भंडासुर के पास अभी अनेकों अस्त्र हैं गणेश जी। अनुचित विजय की लालसा व्यक्ति को अधर्म के मार्ग पर धकेल ही देती है, फिर वो किसी का प्रेम अनुराग कहाँ देख पाता है, उसमें तो केवल भंडासुर के समान एक क्रूर असुर ही शेष रह जाता है।
अब ये धूर्त क्रूर भंडासुर पीछे से आक्रमण कर रहा है। चिंता मत करो रश्मि प्रभा, मैं सदैव तुम्हारा कवच बनकर रहूंगा। गणेश जी फिर मेरे मार्ग में आ गए। पापी हो तुम, घोर पापी, किंतु तुम पाप और अधर्म के मार्ग को अपनाकर इतने नीचे गिर जाओगे, इसकी कल्पना तो मैंने भी नहीं की थी भंडासुर। दोष तो मेरी कल्पना का था, प्रभु माना था मैंने आपको, मेरे जन्मदाता, मेरे प्रभु, मेरे विघ्न हर्ता थे आप। भी मेरे मार्ग का विघ्न बनकर खड़े हैं, किंतु विजय के पथ में जो बाधा आए पराक्रमी उसे हटा कर ही आगे बढ़ते हैं। पिताजी अब भी क्यों नहीं समझ पा रहे कि वो गणेश जी से आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे आगे बढ़ना है और आपको मेरे मार्ग से हटना ही होगा। गणेश जी, मैं किसी भी बाधा में अपने अस्त्र का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटूंगा, फिर वो शत्रु आप ही क्यों ना हो। और विजय के लिए इतना तो चलता है गणेश जी, इतना तो चलता है गणेश जी। जिस क्षण कोई व्यक्ति धर्म के विरुद्ध आचरण करने का विचार करता है, उसी क्षण वो अपने समूल विनाश का बीज बो देता है। मेरी विजय के लिए रश्मि प्रभा को अपने प्राणों का त्याग करना ही होगा। अब मैं किसी भी बाधा में अपने अस्त्र का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटूंगा, फिर वो शत्रु आप ही क्यों ना हो, आप ही क्यों ना हो। और विजय के लिए इतना तो चलता है गणेश जी। पिताश्री, 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 मेरे पिता के भीतर ये कौन आ गया है? और ये भी भूल गए पिताश्री, ईश्वर पर वार नहीं किया जाता, उनके शरण में जाया जाता है। हे प्रभु, आपका ये भक्त आपसे दूर रहकर भी आप में ही रमा रहे, मुझे बस इतना आशीष दीजिए। जिस प्रकार तुम्हारे हृदय में मैं वास करता हूँ, उसी प्रकार मेरे हृदय में तुम वास करते हो, इसलिए तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। मेरा प्रेम, मेरा स्नेह, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तब हमें आज्ञा दीजिए माता। प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। प्रभु श्री राम की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। माता, अब आप मुझे भी अनुमति दीजिए, मैं पुनः अपनी तपस्या में लीन हो जाऊं। केसरी पुत्र अंजनी नंदन श्री राम श्री महाबली हनुमान जी की जय। केसरी पुत्र अंजनी नंदन श्री राम श्री महाबली हनुमान जी की जय। जय श्री राम। कुत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी माता, अब तो केवल भंडासुर ही शेष है, उस पर आक्रमण कब करें हम?
भंडासुर पर आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी देवी मंत्रीनाथ। कल सूर्य की पहली किरण के साथ साथ उसके कर्ण उसके अंत को उसके सामने ले आएंगे। नहीं, मैं अपने प्रभु अपनी पुत्री पर वार नहीं कर सकता। उस प्रेम का क्या लाभ जो तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण ना करे, जो तुम्हारे मान के स्थान पर तुम्हारा अपमान करे। वो भक्ति कैसी जो तुम्हारी विजय से तुम्हें दूर करे। प्रभु पुत्री कुछ नहीं, जो है वो मात्र विजय है। विजय प्राप्ति के लिए सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है भंडासुर, सब कुछ विजय के लिए, सब कुछ चलता है। तुम्हारी पुत्री के सामने तुम्हें दंडित नहीं करना चाहता मैं, इसलिए अंतिम अवसर देता हूँ। मुझे विवश मत करो, चले जाओ यहाँ से। आप जिसके सामने मुझे क्षति नहीं पहुंचाना चाहते, वही है मेरी असफलता का कारण। और अपनी विजय के लिए मुझे इसे आपके सामने क्षति पहुंचाने में कोई संकोच नहीं होगा। के माध्यम से प्रकट हो रहा है। मैं अभी भी पराजित नहीं हुआ हूँ गणेश जी। भंडासुर, अपनी सभी सीमाओं का उल्लंघन कर चुके हो तुम। तुम्हारे पापों की गागर अब भर चुकी है, और जब भी ऐसा होता है तो ऐसा पापी केवल और केवल दंड का अधिकारी होता है। इसलिए दंड के लिए तैयार हो जाओ भंडासुर। आपका कोई भी रूप न मुझे भयभीत कर सकता है, और न ही मेरे विजय रथ की बाधा बन सकता है। और विजय के लिए मैं भंडासुर कुछ भी करूंगा। से उभर आया मेरे हाथ पे। यही हाथ था ना जिससे तुमने रश्मि प्रभा को क्षति पहुंचाई थी। अपनों को कष्ट और पीड़ा देने का यही परिणाम होता है कि स्वयं को अपार पीड़ा भुगतनी पड़ती है। यदि मेरा हाथ मुझे दुर्बल बनाकर मेरे लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करेगा, तो मैं उसे भी अपने शरीर से विलग कर दूंगा। नहीं पिताश्री, नहीं। आप चकित क्यों हो गए गणेश जी? मैंने कहा था ना कि आज कोई भी बाधा नहीं रोक सकेगी मुझे। अब मैं करूंगा अपना वास्तविक प्रहार। नहीं
पिताश्री, गणेश जी से इस युद्ध में पराजय से बचने के लिए मुझे इसका त्याग करना ही होगा। जब तक मेरे तन में प्राण है, इसके प्राण छीनने का प्रयास कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। तो मैं भी देखता हूं गणेश जी कि मुझसे आप इसकी रक्षा कब तक कर पाएंगे। अब जब भंडासुर युद्ध भूमि में आएगा तो उसके प्राण अब अधिक समय तक शेष नहीं रहेंगे। कल सूर्य की पहली किरण के साथ उसके कण उसके अंत को उसके सामने ले आएंगे। सूर्योदय के साथ अब भंडासुर के जीवन का अस्त होने ही वाला है। वो खंभ वो मेरा सहायक बनेगा। गणेश जी अब आप नहीं रोक सकेंगे मुझे। ये इस धूम्र के पीछे छिपने की कोशिश क्यों कर रहा है? इससे पहले कि ये इस धूम्र के पीछे छिपकर कुछ अनुचित करने का प्रयास करे, मुझे इस धूम्र को हटाना होगा। भंडासुर, तुम्हारी अनुचित कामना ने तुम्हारा विवेक हर लिया है। तुम अब भी सफल नहीं होगे। पिताश्री, अब तुम्हारे अपराधों और पापों का दंड मिलेगा तुम्हें। पुत्र गणेश, माता पुकार रही है मुझे। गणेश गौलोक के परम कृष्ण के अंश हैं, जो माता पराशक्ति के ही पुरुष स्वरूप हैं। इसलिए माता ललिता के देवी दुर्गा स्वरूप के दर्शन गणेश जी में होना स्वाभाविक है। नहीं नहीं, आप मेरे जन्मदाता हैं, आप मेरा अंत नहीं कर सकते प्रभु। जन्म तो मैंने ही दिया तुम्हें, प्राण दिए, किंतु क्या लाभ यदि जीवन को सत्कर्म में ना लगाकर व्यक्ति अधर्म पर चले और अपना जीवन व्यर्थ कर दे तो दंड का ही भागी होता है। तुम्हारे दुष्कर्मों तुम्हारे पापों के दंड के लिए अब तुम्हारा प्राणांत मात्र और मात्र माता पराशक्ति श्री माता ललिता के हाथों ही होगा। Ma
माता ने कहा था, सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही इसके अंत का आरंभ होगा। अब जब ये दुष्ट भंडासुर उठेगा तो वो अपनी अंतिम सांसें ही गिनेगा, क्योंकि अब उसे चीर निद्रा में सोना है, माता के हाथों उसका अंत होना है। माता, माता, प्रणाम माता। पिछली बार मैं आपका आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर पाई थी। किंतु मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है पुत्री, और सदा रहेगा। माता, मुझे ज्ञात है मेरे पिता ने बहुत पाप किए हैं, किंतु मैं उनकी पुत्री, अभी भी मैं आपसे विनती करती हूँ, उन्हें क्षमा देने की कृपा कीजिए। उन्हें समझाइए माता कि वो ये सब छोड़ दे, अभी भी अच्छाई का मार्ग अपना ले और आपसे क्षमा मांग ले। पुत्री का पिता होना भाग्य नहीं, सौभाग्य होता है, ईश्वर का अनमोल उपहार होता है। आज से मैं घोषणा करती हूँ कि जो भी पिता अपनी पुत्री के स्नेह का सम्मान कर उससे भी स्नेह करेगा, वो सदा स्वस्थ और समृद्ध रहेगा। उसके जीवन में कभी भी कोई अपूर्णता नहीं होगी। किंतु जो भी पिता भंडासुर के समान अपनी पुत्री के स्नेह का अनुचित लाभ उठाएगा, उसे मेरे क्रोध का सामना करना होगा, जैसे अब भंडासुर करने जा रहा है। गणेश जी, मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, कोई मेरा अंत नहीं कर सकता। माता, आपके वचन के कारण मैंने आपको प्रत्येक असुर का अंत करने का उपाय सुझाया और सभी आपकी कृपा से पराजित हुए, किंतु अब ये भंडासुर ही शेष है जिसका अंत आपके हाथों ही होगा, इसलिए अब आप इस संसार को इससे मुक्त कराइए। तुम्हारा क्रोध मेरा अंत करेगा, यही कहा था ना तुमने देवी? नहीं 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 नहीं, तुम्हारा क्रोध नहीं, भंडासुर का क्रोध, भंडासुर का आतंक पराजित करेगा तुम्हें। आज ये भूमि, राम भूमि, समस्त संसार भंडासुर के क्रोध का साक्षी बनेगा। मैं महानतम असुर, सर्वशक्तिशाली हूं गणेश जी। कोई भी क्या, ये देवी पराशक्ति भी मेरा अंत नहीं कर सकती। पिताश्री, आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? पुत्री, तुम्हारे पिताश्री के अपराधों के लिए उनकी मुक्ति एक अंतिम उपाय, किंतु फिर भी मैं तुम्हारी इच्छा रखने के लिए उन्हें एक अंतिम अवसर अवश्य दूंगी। किंतु अब मैं किसी को कोई भी अवसर नहीं देने वाला।
माता इस दुष्ट को एक और अवसर देने जा रही है, और यहाँ इस दुष्ट ने अपने सभी छहों विकारों को जागृत कर उन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया है। माता, हमें अनुमति दीजिए। ये कैसे असंख्य अस्त्रों की वर्षा उत्पन्न करती है इसको? कठिनाई हो रही है, ये कैसे दूर होगी? अब समय आ गया पुत्री। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे करूंगा, सभी का अंत कर दूंगा मैं। ये अस्त्र रश्मि प्रभा का स्पर्श भी नहीं कर सकेंगे। जिसका हृदय निश्चल होता है, ईश्वर स्वयं ढाल बनकर उसकी रक्षा करते हैं। ऐसा आक्रमण है भंडासुर जो सत्कार का भी रूप ले रहा है। नहीं, मेरे अस्त्र पुष्प नहीं बन सकते। माता आपकी महिमा अपार है। प्रणाम माता। तुम इसके योग्य तो नहीं, किंतु तुम्हारी पुत्री की विनती पर मैं तुम्हें ये अंतिम अवसर दे रही हूँ। धर्म का ज्ञान तो तुम्हें अभी भी है, अब अपने चलता है के भाव को छोड़कर उसे स्वीकार करो। क्षमा चाहते तो अब अपने ही हाथों से अपने इन सभी विकारों का नाश कर।
धर्म के पथ पर चलने का वचन दोगे तो तुम अभी भी मेरी क्षमा के पात्र बनोगे। तुम क्षमा करोगी मुझे? तुम नहीं चाहिए मुझे कोई क्षमा। क्षमा याचना करने नहीं, तुमसे युद्ध करने आया हूं मैं। हार मालाओं से नहीं, अपने भयंकर अस्त्रों से तुम्हारा स्वागत करूंगा और अंत करूंगा तुम्हारा, तुम्हारी सेना का और तुम्हारी सृष्टि का। अब तुमने अपने जीवित रहने का अंतिम अवसर भी गवा दिया है भंडासुर। इस अनावश्यक युद्ध में अपने विकारों के कारण अपने प्रियजनों को खोया है तुमने, फिर भी तुम्हें अपने विकार ही प्रिय है भंडासुर। मूर्खता की पराकाष्ठा है ये। ना कोई ज्ञान, ना कोई उपदेश, कुछ नहीं सुनना है मुझे। गुरु शुक्राचार्य, गणेश जी और मेरी पुत्री करते होंगे तुम्हारी पूजा, मानते होंगे तुम्हें देवियों की देवी, तो मानते हैं मुझे क्या? क्योंकि अब मैं देवियों की देवी, संपूर्ण ब्रह्मांड की देवी के विरुद्ध में सभी ब्रह्मांडों के सर्वशक्ति का प्रयोग कर तुम्हें पराजित करूंगा, तुम्हें पराजित करूंगा। ब्रह्मांड अस्त्र विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रकट हो, पशुपतास्त्र। एक ओर भंडासुर ने ब्रह्मांड अस्त्र का आवाहन किया है जिसमें सभी ब्रह्मांडों की ऊर्जा समाहित हो जाती है, वहीं दूसरी ओर माता ने पशुपतास्त्र का जिसमें सृष्टि के सभी प्राणियों की ऊर्जा समाहित है। ठीक है, यदि इन दोनों का टकराव हुआ तो महाविनाशी विध्वंस होगा। देवी ज्ञात है मुझे, पशुपतास्त्र में सभी जीवों की ऊर्जा है, किंतु तुम्हारा ये अस्त्र ब्रह्मांड अस्त्र का सामना कैसे करेगा जिसमें सभी ब्रह्मांडों की, सभी ग्रहों की ऊर्जा है। भंडासुर, तुम्हारा दम अभी भी तुम्हें भ्रमित कर रहा है।
बहुत विश्वास है ना तुम्हें अपने अस्त्रों पर, तो फिर उचित मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हारे अस्त्र के प्रयोग के बाद ही मैं अपने अस्त्र का प्रयोग करूंगा। क्यों नहीं है ये? ना आक्रमण करने जा रही हैं, ना ही अपनी रक्षा करने की तैयारी कर रही हैं। कदाचित इन्हें ज्ञात ही नहीं मेरे अस्त्र का सामना ये कैसे कर सकेंगी। इस देवी ने अपना मुख क्यों खोल लिया? कुल सुंदरी नित्य नील पताके विजये सर्व मंगले ज्वाला मालिनी चित्रे महानित्य परमेश्वर परमेश्वरी मित्रे। ये क्या हो रहा है? मेरे ब्रह्मांड अस्त्र इस देवी के मुख की ओर क्यों बढ़े जा रहे हैं? मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख हो तुम भंडासुर। माता संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। इस महाब्रह्मांड का प्रत्येक कण उनसे ही उत्पन्न हुआ है और तुम उनके विरुद्ध उनकी ही ऊर्जा का प्रयोग कर रहे थे। क्या तो अब भंडासुर करवाएगा? कितनी अपार शक्ति है मुझ में। अब मेरे कोप का सामना कर और अपने विकारों के अंत के लिए तैयार हो जाओ भंडासुर। मैं इस पाशुपतास्त्र का अंत करूंगा। ये अस्त्र मेरे अस्त्र का सामना नहीं कर सकेगा। रश्मि प्रभा, प्राण भरो, जय ललिता जयकार तेरी, अब भंडासुर संहार करो। माता पराशक्ति की जय। 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 सुरकान इतनी सरलता से नहीं होगा। माता के अस्त्र प्रहार के उपरांत ये पुनः जागृत कैसे हो गया? ये मत भूलो कि मैंने सहस्त्रों वर्षों तक महादेव की आराधना की है, तो मेरे इष्ट का अस्त्र भला मुझे कैसे हानि पहुंचाता? देखो व्यर्थ हो गया ना ये तुम्हारा,
पाशुपतास्त्र। इस ब्रह्मांड का ही नहीं, महाब्रह्मांड का भी प्रत्येक कण मेरी ही इच्छा से गतिमान होता है। जो हो चुका, जो हो रहा और भविष्य में जो भी होगा, मेरी लीला से ही होगा मूर्ख भंडासुर। किंतु ये तुम कदापि नहीं समझ सकोगे कि मेरी लीला कभी भी व्यर्थ नहीं होती। देखो भंडासुर, तुम्हारे जिन विकारों पर ये अस्त्र केंद्रित वो सभी नष्ट हो चुके हैं और अब तुम केवल अकेले खड़े हो। दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गम आत्मस्वरूपिणी, दुर्गम मार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गम आश्रिता, मेरे विकार दुर्गम ज्ञान संस्थान वो कहाँ गए? मेरे जागृत हो जाओ, मेरे विकारों मुझे शक्ति दो, फिर से जागृत हो जाओ मेरे विकारों, जागृत हो जाओ मेरे विकारों। जिन विकारों से तुम शक्ति पाते और तुम्हारा असुरी महाअस्त्र सभी नष्ट हो चुका है भंडासुर, अब तुम उन्हें कभी भी पुनर्जागृत नहीं कर सकोगे। मेरा अस्त्र बिखर कैसे गया? कोई बात नहीं, चलता है। एक तुच्छ से युद्ध में इतना तो चलता है, क्योंकि सत्य तो ये है कि मुझे ना कोई अस्त्र की आवश्यकता है और ना ही किसी विकार की, क्योंकि मैं भंडासुर स्वयं ऐसा महाविकार हूं जो संपूर्ण संसार को अपना क्रास बना सकता है। भंडासुर स्वयं ऐसा अस्त्र है जो समस्त जगत को भस्म कर सकता है, चाहे तुम ब्रह्मास्त्र या नारायण अस्त्र का प्रयोग करो, सब के सब विफल होंगे भंडासुर के सामने। तो आगे बढ़ो और प्रयोग करो अपने अस्त्र का, प्रयोग करो अपने अस्त्र का। पिताश्री अभी भी क्यों नहीं समझ रहे? माता उन्हें कैसे क्षमा करेगी गणेश जी? वो माता के क्षमा का पात्र नहीं है, वो अपने बल के अहंकार में चूर है और उसकी बुद्धि भी क्षीण हो चुकी है। तुम्हारे सभी विकार मिट गए हैं, किंतु उन विकारों से तुम्हारा लगाव समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हारे पूर्व कर्मों की वासना अभी भी तुम्हारे भीतर है। देखो नहीं देवी, प्रयोग करो मुझ पर, एक नहीं अनेकों अस्त्रों का प्रयोग करो। तुम नहीं करोगी तो मैं करूंगा। तीनों त्रिदेवों का महाअस्त्र तुम्हारे विरुद्ध, अब तुम तैयार हो जाओ। ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और रुद्रास्त्र का सामना करने के लिए। ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और रुद्रास्त्र प्रकट हो। भंडासुर मंत्रोच्चारण कर उचित विधि से इन अस्त्रों का आवाहन कर रहा है, इसलिए त्रिदेव भी उन्हें रोकने में अक्षम होंगे। यदि ये त्रिदेव अस्त्रों को माता के विरुद्ध प्रयोग करेगा तो कदाचित माता उनका मान रखने के लिए उनके वार सहन कर लेंगी, उनसे अपनी रक्षा नहीं करेंगी।
इसके पहले कि वो तीनों त्रिदेव अस्त्रों को जागृत करे, आप उसे रोक दीजिए। हमें ज्ञात है माता, यदि ये अस्त्र जागृत हो गए तो आप ना आक्रमण करेंगी ना ही अपनी रक्षा। सहस्रों वर्षों महादेव की आराधना की है इसने, जिसका अब ये लाभ उठाना चाहता, किंतु ये भूल गया कि महादेव की अनुचित आराधना कर इसने उनका अपमान किया और उनके साथ महादेव पुत्र प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश का भी अपमान किया, और उससे भी अधिक प्रभु महाशिव की अर्धांगिनी के विरुद्ध खड़ा हुआ है। इसलिए आज इस अपराधों का दंड महाशिव के उस अस्त्र से प्राप्त होगा, जिसके आवाहन करने का सामर्थ्य आज तक किसी में नहीं था। वो महाशिव अस्त्र जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा, उसका प्रयोग करूंगी मैं। महाकामेश्वर अस्त्र, महाकामेश्वर अस्त्र। हे महाकामेश्वर, मुझे महाकामेश्वर अस्त्र प्रदान करें, मुझे महाकामेश्वर अस्त्र प्रदान करें। ओम महाकामेश्वर अस्त्र। श्री माता ललिता ने उस महाकामेश्वर अस्त्र का आवाहन किया है, जो सहस्त्रों ब्रह्मास्त्रों, नारायण और रुद्र अस्त्रों से भी अधिक शक्तिशाली है। महाकामेश्वर अस्त्र। भंडासुर के अस्त्र पूर्णता प्राप्त करने की ओर है, और वहां प्रभु ने महाकामेश्वर अस्त्र को जागृत किया है, किंतु उस अस्त्र को वहां से श्री माता ललिता तक पहुंचाने का सामर्थ्य किसमें है? क्योंकि जिसमें महादेव के समान सामर्थ्य होगा, वही प्रभु महाशिव के इस बाण को उठा सकेगा। नंदी जी, यदि वो महादेव के भार का वहन कर सकते हैं, तो वो प्रभु महाशिव के अस्त्र को भी महाब्रह्मांड से माता तक अवश्य पहुंचा सकते हैं। किंतु गणेश, नंदी जी को ये भंडासुर के अस्त्र को पूर्णता पाने के पहले ही करना होगा। नंदी जी, एकमात्र आप ही महाकामेश्वर अस्त्र को प्रभु महाशिव से माता तक पहुँचा सकते हैं। आज्ञा प्रभु। प्रणाम माता। प्रभु, असुर का अस्त्र किसी भी समय पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हमारे पास बहुत ही अल्प समय है, पर मुझे विश्वास है कि नंदी जी समय रहते महाकामेश्वर अस्त्र को यहाँ ले आएंगे। विकार ग्रस्त व्यक्ति का विवेक पूर्णतः नष्ट हो जाता है, और वह स्वयं अपने कल्याण के सभी मार्ग बंद कर लेता है।